मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी। पुलिस ने मौके से पेप्सी के और स्टिंग ब्रांड की नकली कोल्ड ड्रिंक को जब्त किया है। यहां स्टिंग और पेप्सी ब्रांड की नकली कोल्ड ड्रिंक बनाई जा रही थी। पुलिस का दावा है कि नकली स्टिंग कोल्ड ड्रिंक की 22,000 से अधिक पैक्ड बॉटल मिली है। तो वहीं ये कार्रवाई पेप्सी कंपनी की शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि अभी नाम से रजिस्टर्ड कंपनी ट्रांसपोर्ट नगर में बड़े ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम करती थी। फिलहाल मौके से आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी मिलने पर मौके पर SP धर्मवीर सिंह भी पहुंचे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं और DGP साहब के पुलिस मुख्यालय से भी लगातार निर्देश मिलते हैं कि मिलावटखोरी के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई की जाए। पुलिस को ये इनपुट मिला था कि बोडापुर थाना क्षेत्र में पेप्सिको जो कंपनी है उसका एक एनर्जी ड्रिंक बनता है स्टिंग नाम से, तो यहाँ पे पेप्सिको कंपनी के नाम पे एक मिलावटखोरी फैक्ट्री चल रही है और उसमें मिलावटखोरी करके एक फर्जी ड्रिंक तैयार की जा रही है। यहाँ पे CSP अशोक यादव और थाना प्रभारी बोडापुर ने रेड की है। जैसा आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पूरी फैक्ट्री यहाँ मिली है। इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ये जो नकली एनर्जी ड्रिंक बनाया गया स्टिंग कंपनी का, ये पूरा बड़े स्केल पे मिला है। ये नकली ड्रिंक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रॉ मटेरियल भी बाहर से लाते हैं, इसके जो रैपर्स हैं, इसका जो ढक्कन है पूरी तरीके से नकली है, इसमें जो प्रोडक्ट बनाया गया वो भी नकली है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए मिलावटखोरी के अगेंस्ट मुझे लगता है एक बड़ी कार्रवाई है। इसका जो संचालक है अशोक शर्मा, पुलिस की हिरासत में है, आशीष शर्मा पुलिस की हिरासत में है। अभी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कितने दिनों से ये यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इस प्रकार का जो हानिकारक जो इसने बनाया है इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर की गई है और इसका जो रॉ मटेरियल भी फर्जी तैयार किया गया है। इसके ढक्कन हैं, इसका जो रैपर्स हैं, बोतल है और इसका जो केमिकल्स हैं वो सभी इसने अलग अलग स्थानों से नकली प्राप्त किए हैं। तो सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पूरी फैक्ट्री अभी हम सील करेंगे और इसके बाद इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एक, 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 एक बड़ा जो नेक्सस आपने खुलासा किया है, जान को भी एक तरह से खतरा है जिस तरह के केमिकल से ये। देखिए, बहुत ही हानिकारक है जिस तरीके से ये बना रहे हैं। एक नकली पेय पदार्थ है और इसका कोई उस प्रकार का ब्रांडिंग नहीं है, कोई इसमें फर्जी लेबल्स लगाए रखे हैं। तब इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। पूरी मशीनें हैं जिसके माध्यम से चला रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री मिली है और बड़ी मात्रा में बना हुआ पदार्थ भी मिला है, रॉ मटेरियल भी मिला है। तो अभी इसमें पूछताछ करने के बाद इसमें मुझे लगता है कई सारी चीज़ें और खुलासा होंगी। जो स्टिंग कंपनी के रेफर्स मिले हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, डक्कन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ से ये इसका इसेंस वगैरह खरीद रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाएंगी।